हे गाइस, वेलकम टू आवर इन्वेस्टर्स प्लानेट। हम जब पहली बार कोई डीमैट एप्लीकेशन या ट्रेडिंग एप्लीकेशन यूज़ करते तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हमें कभी कभी डर लगता है कि अगर हमने फंड हमने ट्रांसफ़र किया तो हमें वो विड्रॉ कैसे करें, हम उसे बैंक में कैसे डालें वापस। तो आज मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, धीरे धीरे बताऊँगा। उसके लिए आपको करना क्या है, बस आपको करना है वो जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब, उसे आपको दबा देना है और बेल आइकन को हिट करना है। तो चलो आज मैं आपको बेसिक चीज़ें नॉर्मल डिलीवरी और वैल्यू प्लस स्टॉप लॉस, इन चार वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगा। बाकी चीज़ें जो आपको मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा। नॉर्मल मतलब कोई स्टॉक जब आप बाय करते हो तो उसे आप आज बेच सकते हो, कल बेच सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। तो बाइंग में जब आप स्टॉक बाय करते हो, बाइंग में थ्री टाइप्स होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी और इंट्राडे मतलब वैल्यू प्लस। मोतीलाल ओसवाल में वैल्यू प्लस होता है, कुछ जीरोधा में कुछ वर्ड्स की मीनिंग अलग होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में दिया होता है। तो वो भी मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। डिलीवरी मतलब जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक होल्ड करना चाहते हो तो उसे डिलीवरी कहते हैं। तो और समझ सकते हो, बहुत बेसिक चीज़ें, बहुत ईजी है। तो और वैल्यू प्लस मतलब इंट्राडे, जैसे कि अगर आपने कोई स्टॉक्स आज ही ख़रीदा है तो उसे आप आज ही बेचोगे, प्रॉफिट बुक करके उसे आज ही सेल करना है, तो उसे कहते हैं वैल्यू प्लस या इंट्राडे। हम बात करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टाटा मोटर्स 130 रुपीज़ में बाय किया है, उसे आप अगर आपको लगता है कि 130 रुपीज़ में उसके नीचे में उस 125 रुपीज़ के नीचे अपना लॉस नहीं झेल पाऊँगा, तो आपको स्टॉप लॉस 125 रखना है। तो क्या होगा, जब आपका स्टॉक प्राइस 130 से अगर नीचे आ गया 125 तक, तो उसे वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। उससे होगा क्या, आपका लॉस कम होगा और होगा ही नहीं। तो आप समझ सकते हो कि हम सुपरस्टिशंस लोग कुछ फैलाते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारा लॉस होता है, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं, वो सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा तो आपको आपका अगर शेयर प्राइस बहुत नीचे आ गई तो बहुत सारा लॉस होगा। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, स्टॉप लॉस हमेशा लगाना ही है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप कोई ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हमेशा आपको नॉर्मल पे ही बाय करना है। डिलीवरी पे अगर आप बाय करोगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा, इसलिए आपको नॉर्मल पे ही अपना स्टॉक रखना है। उससे क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, आपको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर सकते हो, आप नॉर्मल में फ्री रह सकते हो, फ्री सब कुछ कर सकते हो। अगर आप मेरी वीडियो प्रैक्टिकली देखना चाहते हो, प्रैक्टिकली नॉर्मल डिलीवरी स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो उसकी भी मैंने वीडियोज़ बनाई है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रखी है, तो उसे भी आप जाके देख लो। थैंक यू।